गोपालपुर से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने मंत्री मदन सहनी के द्वारा 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार सरकार से छुट्टी दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। गोपाल मंडल ने कहा कि सरकार उसी दिन छुट्टी दे जिससे पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी पर प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके। साथ ही साथ जदयू और राजद गठबंधन को अटूट करार देते हुए कहा कि यह बड़े भाई और छोटे भाई और भतीजे की पार्टी है और अगर नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। देखिए और क्या कह रहे हैं गोपाल मंडल। देखिए हमारे मंत्री जी मदन सर कुछ सोच के बोले कि आज से मंत्री नहीं अति पिछड़ा के नेता हैं, उनका सोच ठीक ठाक है लेकिन बिहार सरकार क्या करते नहीं करते तो नीतीश कुमार करेंगे ना, वो तो वो करेंगे, क्या करते नहीं करते इनका सलाह ठीक है, सही बात है। वो टीवी पर देखने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा किया, बिहार सरकार को विचार करना चाहिए, विचार करेंगे ऐसी छुट्टी नहीं दे देंगे, कैबिनेट पास कराएंगे तब ना, मौखिक छुट्टी नहीं होता है, वो पेपर में निकलेगा, सब चीज़ में निकलेगा, कलेक्टर को आदेश देगा, नियामक को करेंगे, अगर करने का विचार होगा तब। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको क्या लगता है सर? अरे देखिए एक अयोध्या राम मंदिर ऐसा है कि मन तो सबका करेगा कि देखें वहाँ क्या हो रहा है, टीवी चैनल पर बायकास्ट टेलीकास्ट अथी करेगा, सब कुछ देखेगा, ऐसे मोबाइलों पर देख सकता है, लेकिन छुट्टी हो जाएगा तो थोड़ा सा छुट्टी हो जाएगा क्या, घर में बच्चों के साथ देखेंगे सभी। बच्चों के साथ क्या, बच्चे के साथ तो डेली देखवे करते हैं, मोबाइलों पर देख सकते हैं। यदि जदयू में कुछ नहीं होने वाला, बड़े भाई छोटे भाई की बात है, अब बड़ा भाई लालू यादव जी, छोटा भाई नीतीश कुमार, अब भतीजा तेज सब्जी, इसको छोड़ने वाला ही बात नहीं है, एकदम चुंबक की तरह सट गया। और जो मानसा आप लोग बना रहे हैं, कोई बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा, पब्लिक के नज़र में गिर जाएंगे, वो जा ही नहीं सकते, मर मिट सकते हैं, चूँकि वो नीतीश कुमार भी सुनेंगे, मर मिट सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी कहाँ से टपक का है, उसका नाम भी नहीं सुने, गुजरात में मुख्यमंत्री होता होगा, ये अड़ियल की तरह बात करता है, दानव की तरह डकारता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बयान देते हैं, कितना मीठे शब्दों में कितना ढंग से बोलते हैं, बगैर लिखा पढ़े, और उनके पास तो आईना लगा रहता है, स्क्रीन पर आता है वही बोलता है, तो बढ़िया बतवा लिखवा देना, वो न बोले देश के प्रति क्या किए नहीं किए, सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में। अडानी आइए और मुकेश अंबानी, ये सबसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 24 जनवरी को पटना में कर्पूरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर हर प्रखंड स्तर व जिला स्तर पर विशेष बैठक की जा रही है ताकि यह कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग पटना पहुंचे और इन कार्यक्रम के उद्देश्य को समझे और लोगों तक साझा करे। इसको लेकर आज भागलपुर की सबौर खनकित्ता में भी जदयू के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए और बैठक में यहां से पटना जाने की तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जनशताब्दी के अवसर पर पटना के वेटनरी कॉलेज में आयोजित अति पिछड़ा का सम्मेलन है, जिसके लिए सबौर प्रखंड जदयू की ओर से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ की भागीदारी रहे, जिससे कि हम पंचायत अध्यक्षों के बीच अभी यह बैठक कर रहे हैं। मेरे साथ जिला प्रभारी राजेश कुशवाहा जी हैं और साथ में प्रखंड प्रभारी दिवाकर जी हैं और मीडिया प्रभारी सह संयोजक सोशल मीडिया के रवीश जी हैं और हमारे प्रखंड टीम से आए बरिया नेता एवं जिला के उपाध्यक्ष और प्रखंड के उपाध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के सदस्य और पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। अधिक से अधिक संख्या में एक नीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सबौर से अच्छी भागीदारी दे सकें।
पिछले वर्ष 8 दिसंबर को कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद चांद ने नाथनगर के गुदरी बाजार में ठेकेदार मोहम्मद सोहराब को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस संबंध में नाथनगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु SSP भागलपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और तकनीकी अनुसंधान की सहायता से मोहम्मद चांद को नाथनगर रेलवे स्टेशन से फिल्मी अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद चांद ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अंतर्गत एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद चांद, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने रिसेंट में एक आदमी है मोहम्मद सोहराब, उस पर गोली चलाई थी और जख्मी कर दिया गया था उसको इसके द्वारा। तो उस कांड में ये वांछित था और एक स्पेशल टीम बनाई गई SSP सर द्वारा, और इसमें जो DSP सिटी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, और स्पेशल टीम प्लस DIU की टीम इसकी छापेमारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसको कल पकड़ा गया है। इसके ऊपर टोटल 5 केसेस अभी तक नाथनगर थाना में पाए गए हैं, जो लूट और विस्फोटक पदार्थ NDPS एक्ट और विस्फोटक पदार्थ इत्यादि पर जिनके ऊपर केस दर्ज हैं पहले से, और टेक्निकल अनुसंधान और एक अच्छा तरीके से इसमें छापेमारी की गई है, उसके बाद इसको पकड़ा गया है। फिर इसके कन्फेशन में ये बात पता चली कि इसको 1.5 लाख रुपए फिरौती दी गई थी मोहम्मद सोहराब को मारने के लिए, और उसमें से 1 लाख रुपए इसको दिया भी गया था, और उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और पूछताछ अभी भी जारी है, और टोटल 5 इसके ऊपर केस दर्ज हैं। और जो टीम जिसने इस टीम में इसका नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे, और इसमें राज रतन थानाध्यक्ष नाथनगर, मुरलीधर शाह DIU शाखा से, सिकंदर कुमार DIU शाखा से, और सिपाही बच्चन राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, सिपाही प्रकाश कुमार DIU शाखा से, इन सब ने सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया। उसका नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अनुसंधान अंतर्गत है और आगे मारा नहीं ना, जो सुपारी पर दिया उसको ना जिसको मारना था। हाँ, वो अनुसंधान अंतर्गत है, आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बरामदगी क्या क्या हुई उसके पास से? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और सभी अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के मल्टी टैलेंटेड कलाकार आलोक ने अपने बांसुरी से प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए एक धुन तैयार की है।
बिहार के बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कला के क्षेत्र में वो देश भर में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। और अगर प्रभु राम की बात हो तो क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी उनके रंग में ढल जाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर छोटे बच्चे भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। भागलपुर की 7 वर्षीय 2 जुड़वा भाई ने प्रभु राम के स्वागत में अंगिका व हिंदी में भजन गाया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। नन्हे बच्चे की मधुर आवाज को सुन लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। बड़े ही मंझे हुए भजन गायक की तरह ये दोनों भाई अपने हारमोनियम और तबले पर हाथ फेरते हैं और फिर मधुर धुन व सुरीली आवाज के साथ राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। भागलपुर के अलीगंज के रहने वाले जनार्दन ठाकुर अपने पुत्र सुदर्शन व अब राम और श्याम यानी 3 पीढ़ियां विलुप्त होती शास्त्रीय संगीत की कला को उभारने में लगे हैं। नन्हे बच्चे राम और श्याम ने प्रभु राम के आगमन पर अंगिका व हिंदी में भजन को गाया, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। Thank you.
सुबह करीब 9 बजे गुप्त सूचना मिली कि 8-10 की संख्या में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर जो हबीबपुर के रास्ते हुसैनाबाद जाएगी। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में साथ ही पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। खनन निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से अलीगंज हुसैनाबाद मुख्य सड़क पर छापेमारी की गई तो 8 ट्रैक्टर पर अवैध बालू लोड पकड़ा गया। साथ ही 6 चालक को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर वाहन के मालिक एवं चालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त में राजेश कुमार, अमरजीत, दीपक कुमार, सिंटू कुमार, सुधाकर, मुकेश यादव है। अवैध खनन परिवहन भंडारण के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसमें 8 ट्रैक्टर पर जो अवैध बालू लोडेड था उसको पकड़ा गया और 6 चालकों को गिरफ्तार किया गया। और जो 6 चालक थे वो प्रमुखता उसमें 3 लोग कजराली से और 2 लोग जगदीशपुर के हैं। और जो टीम का नेतृत्व DSP सिटी कर रहे थे और इसमें जो SHO मेहताब खान और पुवानी अनिल कुमार सिंह, सहनी देव कुमार सिंह, सहनी रवि रंजन कुमार, सिपाही विकास कुमार, सिपाही मितेश कुमार सिंह बबरगंज थाना के हैं ये सभी। और इन्होंने एक सराहनीय काम किया है। आज अवैध खनन और भंडारण के विरुद्ध 8 बालू जो ट्रक हैं वो जब्त किए गए ट्रैक्टर। बिहार कृषि विभाग कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्वरोजगार सृजनार्थ किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। यह कार्यक्रम कृषि विभाग परिसर तिलकामांझी भागलपुर में आयोजित किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा यह आयोजन किया गया है। यह किसान मेला एवं पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस किसान मेला का मुख्य उद्देश्य है कि किसान इसमें देखकर सीखे और अपनी उपज में बेहतर करे। उन्होंने कहा कि भागलपुर में GI टैग मिले जर्दालू आम कतरनी चूड़ा के साथ साथ मछली मुर्गा पालन बकरी पालन जैविक खेती से लेकर कई चीजों को किसान काफी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अब उन्हें सही बाजार और सही पैकेजिंग करने की जरूरत है तभी वह उचित मूल्य पा सकेंगे। इसको लेकर बिहार कृषि विभाग सजग है जिसके लिए ऐसे कार्यक्रम का होना अति आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे कृषि विभाग के निदेशक उप निदेशक के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता व सैकड़ों किसान मौजूद थे। देखिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कृषि विभाग उद्यान से संबंधित जो विभाग है, मत्स्य विभाग एवं अन्य जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट होते हैं सब लोगों ने मिल करके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और पूर्व के वर्षों में भी ये होता रहा है। प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पुरस्कार भी दिया जाता है। जो किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं हम लोग यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट को स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और वो असेसमेंट करके किसानों को पुरस्कृत भी करते हैं जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। और साथ साथ जो दूसरे किसान आते हैं वो सीखते भी है कि कैसे जो है वो अपनी पैदावार को और बेहतर कर सके, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़े। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कृषि रोड मैप के हिसाब से जो जैविक खेती है, मौसम अनुकूल खेती है या किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेहतर मार्केटिंग पैकेजिंग इसकी कैसी व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ दो GI प्रोडक्ट है, जो आपका जर्दालू आम है और जो कतरनी चूड़ा चावल है उसको लेकर के भी पिछले वर्षों में लगातार हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट पहुँचा है। तो राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में, कृषि विभाग के निर्देश के आलोक में कृषि रोड मैप का जो हम लोगों को अनुपालन करना है वो अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं कृषि विभाग उपलब्ध कराए और जितने अन्य विभाग भी हैं, चाहे उद्यान से संबंधित हो, पशु व मत्स्य संसाधन विभाग का हो। जैसे अभी आप देखेंगे कि चौड़ में कैसे मछली उत्पादन बेहतर हो सकता है, इसी जिले में गोराडी में मैं खुद गया था, जो प्रॉन की खेती हो रही है और काफ़ी अच्छा रेट मिला, तो और किसान भी उसको देख करके सीख सकते हैं। मछली का चारा या जो पोल्ट्री फार्म के लिए जो दाना बनता है उसकी यूनिट लगाने के लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इसके लिए सारे कृषि विभाग एवं जितने संबद्ध विभाग हैं सबके पदाधिकारी इसके बधाई। पतंग उड़ाने को लेकर विवाद में बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर सुर्खी कल स्थित तांती टोला में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर घायल प्रदीप तांती ने बताया कि 2 दिन पहले पतंग उड़ाने को लेकर बच्चा के बीच विवाद हुआ था और आज शाम में जब हम लोग घर पहुंचे तो पहले से घात लगाए बैठे कुणाल तांती उसके परिवार के द्वारा चाकू भाला रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया गया। घायलों में प्रदीप तांती, रोहित कुमार, चंदा कुमारी, छोटी कुमारी शामिल है। वहीं मामले को लेकर अभी तक बरारी थाना पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
अरे हुआ क्या, हम लोग हम जैसे कम पर से आए, वो लोग पूरा गाली गलौज कर रहा था। कौन लोग? वो एक कुणाल तो थी, उनकी वाइफ और उनकी सब बच्चा सब भाई गाली गलौज कर रहा था। भाई हम बोले क्या कर रहे, पहले मेरा बहन को पहले मार दिया था, तो फिर भाई हम जैसे बोलने किए तो उधर से पूरा वो लोग चाकू के साथ आया, चाकू डंडा सबसे हम लोग को सब, मेरा भाई को मारा माथा पे, हमको पूरा पीछे मारा, मेरा भाई को हाथ पे मारा। काहे मारा? इसी तरह गाली गलौज कर रहा था बच्चा का झगड़ा में। इससे पहले भी हुआ था क्या? क्या चीज़ का झगड़ा था? वही बच्चा का मूर्ति उड़ाने के चक्कर में था, बच्चा को जो मूर्ति उड़ाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कौशल है। भागलपुर के चंपानगर के मदनी नगर गोलबंद चौक के मैदान में आज 37वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। इस बुनकर शहादत दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर दर्जनों बुनकर जमा हुए और कुछ वर्ष पहले जो बुनकर अत्याचार व पीड़ा से शहीद हो गए थे उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके अत्याचार और पीड़ा की चर्चा की गई। वही कार्यक्रम के दौरान जमा हुए बुनकरों ने कहा कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, 90% सब्सिडी मिले और हम लोगों का टैरिफ अलग हो। कार्यक्रम के दौरान बुनकर महासभा के महासचिव अशफाक अंसारी, सचिव अध्यक्ष के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता व बुनकर व ग्रामीण मौजूद थे। झांसी में जो ऐतिहासिक घटना घटी है, बुनकर शहीद हुए थे, अत्याचार हुआ था, जुल्म हुआ था बुनकरों पर, उसी को मनाते हुए आज तक हम लोग मना रहे हैं। और इस बेला पर, इस मौके पर हम लोग के अंदर जो पीड़ा है, जो परेशानी है, जो दुख है, उसको चर्चा करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि किसान के तर्ज पर हमको भी बिजली मिले और हमारा टैरिफ अलग हो बुनकरों का, क्योंकि अगर हमें रियायती और सस्ते दर पर अगर बिजली नहीं मिलती है तो आज के कंपटीशन बाजार में हम नहीं टिक पाएंगे, हमारा टैरिफ अलग हो। और दूसरी मांग है कि उद्यमी योजना हमारा जो है वो मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री के नाम से है, हम उद्यमी तो हम हैं, घरेलू सनद हम चलाते हैं, कपड़ा पैदा हम करते हैं, लेकिन आज हम पूंजी के कारण बदहाल है, फटे हाल है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। उस उद्यमी योजना में अगर बुनकर को स्पेशल तौर पर अगर सम्मिलित किया जाए तो बिहार क्या भारत में भी चार चांद लग जाएगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले अगर बन जाएंगे हमारे पास पैसा रहेगा। हमारे बच्चा आज पढ़ लिख नहीं पाते, बुनकर क्षेत्र में एक 3 बुनकर शहीद हुए थे, उन्हीं को याद में यह शहादत दिवस मनाया जाता है। और हमारी मांग सरकार से बहुत मुख्तसर मांग है, हमें 24 घंटा बिजली और 90% बिजली बिल में सब्सिडी चाहिए और बुनकरों के उत्थान के लिए रोड मैप बनना चाहिए और बुनकरों के अलग टैरिफ, बिजली बिल का अलग टैरिफ बनना चाहिए। यही सब बातों को लेकर, मांग को लेकर हम लोग ये शहादत दिवस मनाते हैं, जिसके लिए हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि सरकार तक किस तरह हमारी आवाज़ पहुँचे। उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम लोग ये बुनकर शहीद दिवस मनाते हैं। मैं बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव अशफाक अंसारी बोल रहा हूँ। कुछ मांग तो सरकार, जैसे हमारे बाप दादा के जिम्मे जो बाकी बकाया था 460 करोड़, वो सरकार तो माफ़ कर दिया, 2017 तक का माफ़ किया, 2018 से फिर जो लागू हुआ मीटर वगैरह जो लगवाया है, मीटर फ्री में लगाया सरकार ने, वो मीटर आज चालू होकर के 25% जो हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको, फिर जो है ये बिजली का बिल जो बढ़ता जा रहा है बहुत, हर आदमी के ऊपर फिर 5 लाख 6 लाख 4 लाख रुपये का कर्जा होना शुरू हो गया। हम सरकार से ये मांग करते हैं सारी चीज़ को ख़त्म करके एक मुफ्त इसको ये 25-10% या जो भी टैरिफ बनाना हो सरकार को, कम से कम दाम में वो टैरिफ बना करके बुनकरों को सहूलियत दी जाए। उतना पैसा रहे नहीं करता, पहले वो अपना रिचार्ज करवा ले। बुनकर तो बहुत परेशान चल रहा है, जो काम कर रहा है उसका मजदूरी तक नहीं मिल रहा है।